हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि फंक्शन कॉल क्या होता है, यानी कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके पहले हमने पढ़ लिया फंक्शन डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, आज हम सीखेंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अगर आपने प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ किया, फंक्शन बना रखा है, तो उसे कॉल भी करना कंपलसरी होता है। विदाउट कॉल के अपने फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फंक्शन कॉल का, वो है इन सी लैंग्वेज वी कैन नॉट यूज एनी फंक्शन विदाउट कॉलिंग इट। यानी कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विदाउट फंक्शन को कॉल किए हुए आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आप फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, यानी यूज किए हुए हैं प्रोग्राम में, अगर आपको उसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस फंक्शन को कॉल करना होगा, नहीं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इफ वी वॉन्ट टू यूज एनी फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, देन वी हैव टू कॉल इट by writing the name of that function and it is called function calling। अगर आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम में क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि फंक्शन का यूज करना है, तो उसे आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमें क्या नेसेसरी होती है, किसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कॉल इट बाई राइटिंग द नेम। यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उस फंक्शन के नेम से उसको क्या करना होता है, कॉल करना होता है। अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके नेम से ही हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम गोज टू दैट फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड इनसाइड इट एंड एज सून एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन इज फिनिश्ड। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन से अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो जो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो कोड में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि फिनिश होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, द प्रोग्राम्स कंट्रोल गोज बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। यानी कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जहां से, मान लीजिए हमने फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर रखा, उसे मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, तो प्रोग्राम का जो हमारे कोड का एग्जीक्यूशन होगा, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उस मेन फंक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा फंक्शन क्रिएट किया था, वहां से हट जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो मेन फंक्शन से होता है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, When a function is called, the control of the program goes to that function and start executing the code inside it as soon as the execution of the function is finished। यानी कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है, द प्रोग्राम्स कंट्रोल गोज बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। यानी कि वैसे ही क्या हो जाता है, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, वहां पर वापस चला जाता है, जहां से हमारे प्रोग्राम का, यानी फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था। मान लो कि आपने क्या किया है, कोई एक फंक्शन बना रखे हैं, यहाँ पर मान लो मैंने मल्टीप्लाई नेम का क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई नेम का यहाँ पर फंक्शन बना रखा है, और इसमें हमने मान लो डेटा टाइप कुछ पास कर दिया है, कुछ वैल्यू पास कर दी है, और इसकी हमने यहाँ पर बॉडी लिखी हुई है, इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंट मेन फंक्शन हमने अपना क्रिएट किया हुआ है, और इस मेन फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन के नेम से हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई, उसके बाद अगर हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास कर रखा है, वेरिएबल पास कर रखा है, तो हमें कुछ वैल्यू भी यहाँ पर पैरामीटर के रूप में इसके अंदर हमें पास करनी होगी। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, 5 पास कर दिया, उसके बाद हमने सेमी कॉलन से इंट कर दिया, तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉलिंग होगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, वैसे ही जो हमारा एग्जीक्यूशन था कोड का, वो कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, यानी कि इस फंक्शन के पास चला गया। लेकिन जैसे ही हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वैसे ही क्या हो गया, जो हमारा फ्लो कंट्रोल था हमारे प्रोग्राम का, फंक्शन का, वो वापस कहाँ पर आ गया, इसी मेन फंक्शन में फिर से आ गया। यानी कि जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारी क्या होती है, मेमोरी, स्टैक मेमोरी क्रिएट होती है। तो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, ये हमारा मेन फंक्शन है,
इसकी मेमोरी यहाँ पर बन रही है, और जो भी हमने फंक्शन बनाया है मल्टीप्लाई नेम का, ये यहाँ पर बन रही है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कॉल कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यानी कि यहाँ से कॉल होगी। जब तक ये प्रोसेस होगा यानी कि एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हमारा जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पर होगा, इसके पास, इस वाले फंक्शन के पास। लेकिन जैसे ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही जो फ्लो कंट्रोल होगा वो कहाँ पर आ जाता है, वापस वहीं पर आ जाता है, उसी स्थान पर आ जाता है जहां से हमने क्या किया था, अपने फंक्शन को कॉल किया था। तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉल। तो आई होप दोस्तों, अगर यहाँ पर हम सिंटैक्स को देखें तो यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा सिंटैक्स। सबसे पहले हमें फंक्शन नेम लेना होता है। अगर आपने कुछ आर्गुमेंट पास कर रखे हैं तो आपको क्या करना होगा, उस आर्गुमेंट में आपको वैल्यू को पास करना होगा फंक्शन कॉलिंग के टाइम। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, खाली इम्पटी छोड़ सकते हैं अपने पैरेंथेसिस को। यहाँ पर मान लो मैंने कुछ भी नहीं पास किया था, तो हमने फॉर एग्जांपल लिया है मल्टीप्लाई नेम का, हमने एक फंक्शन नेम बना रखा था, उस फंक्शन नेम को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। और यहाँ से हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, क्योंकि मान लो हमने यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट ना इंटीजर कैर कुछ भी टाइप का हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास ही नहीं किया था जब हमने अपने फंक्शन को क्रिएट किया था। इसीलिए हमने क्या किया, कॉलिंग टाइम में भी उसमें कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। आई होप दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था फंक्शन कॉल, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।